नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पत्रकारों को बैठने की व्यवस्था नहीं। शांति समिति की बैठक में संगठनों एवं गणमान्य नागरिकों ने किया बैठक का बहिष्कार। बैठक में अव्यवस्थाओं एवं पर्याप्त सूचना के अभाव में संगठनों एवं गणमान्य नागरिकों ने किया बैठक का बहिष्कार। विदिशा के गंज बसौदा में गुरुवार की शाम थाना बसौदा शहर प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान विधायक लीना जैन एवं SDM शहर व देहात थाना प्रभारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठक के पूर्व कुछ संगठन एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया। समाज सेवी एवं भाजपा नेता देवेंद्र यादव ने बैठक में अव्यवस्थाओं एवं नगर के धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रमुख को आमंत्रित नहीं किए जाने का हवाला देकर बैठक का बहिष्कार किया, तो वहीं हिंदू जागरण मंच के राकेश विश्वकर्मा ने यह कहकर बैठक का बहिष्कार किया कि बैठक की सूचना हमारे संगठन को नहीं दी गई। बैठक में जब बहिष्कार के मामले में अनुविभागीय अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहिष्कार हुआ है। जिस उद्देश्य को लेकर बैठकें रखी गई थी वह उद्देश्य पूरा हो चुका है। कुछ इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच औपचारिक शांति समिति की बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। विदिशा गंज बसौदा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। कर शांति समिति की बैठक में समाज के उन लोगों को बुलाया जाता है जो गणमान्य होते हैं और जो अच्छा काम करते हैं, वो अच्छी राय देते हैं कि जो भी समारोह या कार्यक्रम होना है वो किस तरीके से होने चाहिए, इसको देखते हुए उन लोगों को बुलाया जाता है जो अनुभव रखते हैं। लेकिन देखने में आ रहा है पिछले कई दिनों से कि नए लड़कों को बुला लेते हैं जिनको ना तो अनुभव होता ना कुछ बताते हैं, बस वो बैठ के चले जाते हैं। आज जो शांति समिति की बैठक है वो सिटी थाने में रखी है, लेकिन यहाँ जहाँ रखी है वहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। शांति समिति की बैठक में अपन ने ठीक है ज़्यादा तादाद में लोग बुलाए हैं, लेकिन उनकी बैठने की व्यवस्था सम्मानजनक होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कई गणमान्य नागरिक भी खड़े और पत्रकार बंधु भी खड़े हुए हैं, ऐसी भीड़ में कैसे बैठक होगी। तो बैठक जो इन्हें रखना चाहिए थी वो इन्हें बाहर रखनी थी और बाकायदा सम्मान के साथ। जो गृह मंत्रालय के निर्देश हैं उनको स्पष्ट किया गया है, जो उनके निर्देश हैं उनको सभी को अवगत कराया गया है। सर, मुख्य निर्देश आपका बता मांगे। मुख्य निर्देश जो है कि 6 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे, है ना। त्योहारों को लेकर बैठक जो रखी, चूंकि इसमें क्या है कि जो लोग यहाँ के नागरिक हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया था ताकि सारी चीज़ों से अवगत कराया जा सके। क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे त्योहारों के लिए, समय आ जाएंगे आगामी त्योहारों के लिए कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको पालन किया जाए। सर, कुछ संगठन के पदाधिकारी ने बहिष्कार किया शांति समिति का? सर नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि बहिष्कार किया है, कोई बहिष्कार नहीं था। बाकी जो जिस उद्देश्य को लेकर मीटिंग रखी गई थी वो उद्देश्य पूरा हुआ है। ठीक, आज आपने बैठक का बहिष्कार किया। बैठक का बहिष्कार करने का सबसे मूल कारण ये है कि शांति समिति की जो बैठक है उसमें कोई अनुशासन दिखाई नहीं दिया। क्या क्या शांति समिति में बैठक का मतलब होता है सभी समुदाय के लोग एकत्रित हों और सबकी बात सुनी जाए। अब एक ही समुदाय की अगर बात सुनना है तो एक ही समुदाय को बुला लो, बैठ के अपनी मीटिंग करो, तुम जो निर्णय हो सुबह पेपर में पढ़ी लेंगे सब लोग। तो भाई अन्य समुदाय के लोग बैठे हैं उनको वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही, बैठने की व्यवस्था है नहीं आपकी, इसलिए ये मुझे ठीक नहीं लगा। मैं अपनी बात रख के मैं के बाहर आ गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बैठक का बहिष्कार किया। प्रॉपर सूचना किसी संगठन को नहीं जाती। मैं हिंदू जागरण मंच में जिला बेटी बचाओ प्रमुख दायित्व, मेरे पास थाने से कभी फ़ोन नहीं आता कि यह शांति समिति की बैठक है, यह थाने की जिम्मेदारी है, तो फ़ोन तो लगाएं संगठन वालों को। भाई एक ही समुदाय को बुलाया तो उन्होंने बात सुनी, बात खत्म कर दी, कोई मतलब ही नहीं है बैठक में आने से, इसलिए मैंने बैठक का बहिष्कार किया।